स्टूडेंट्स, माय नेम इज आमिर एंड आई एम फ्रॉम A1 कोचिंग। तो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने अपनी क्लास 11 के कंटेंट से स्टार्ट कर दी थी और जिसमें हम लोगों ने कुछ बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स पढ़े थे। तो जो स्टूडेंट्स अब पहली बार इस वीडियो को देख रहे हो तो उनको मैं बता दूं कि डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग जाके इसका पार्ट वन वहां से देख सकते हो। उसके बाद इस वीडियो को देखो तो थोड़ी और क्लैरिटी आप लोगों को अच्छे से मिल सकेगी। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आज हमें और कौन कौन से न्यू टर्म्स है जो कि अकाउंटिंग में इंपॉर्टेंट होते हैं उसको पढ़ते हैं। ठीक है, तो अब देखो आज जो हमें पढ़ने हैं उसमें टर्म्स है पहला परचेज, ठीक है, उसके बाद है सेल्स, उसके बाद है परचेज रिटर्न, ठीक, और परचेज रिटर्न के बाद है सेल्स रिटर्न। ठीक है, पहले ये चार देखते हैं फिर अभी आगे देखते हैं। तो देखो परचेज का मतलब क्या होता है, परचेज का मतलब सिंपल सा आप लोगों को पता है, खरीदना। ठीक है, बट अकाउंट्स में परचेज का मतलब देखो यहाँ पर क्या है। देखो अभी मैंने बताया था ना, एक वर्ड बताया था कल मैंने, गुड्स। गुड्स का मतलब क्या बताया था कि जिसमें बिजनेस में हम लोग डील करते हैं, जिस सामान को बेचते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, गुड्स। जैसे मान लो मेरा बिजनेस मार्कर का है तो मैं मार्कर को परचेज करता हूँ, मैं मार्कर को सेल करता हूँ। भाई इस मार्कर को पहले मैं खरीदता हूँ 10 रुपए का, ठीक है, फिर मैं इसको 15 रुपए क्या करता हूँ, सेल करता हूँ। तो जो गुड्स खरीदे जाते हैं बिजनेस के पर्पज से उसको हम लोग क्या बोलते हैं, परचेज। मतलब जो गुड्स लिए गए हैं रीसेल करने के लिए, मैंने ये मार्कर को परचेज किया है दोबारा बेचने के लिए, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, परचेज बोलते हैं। ठीक, सेल्स क्या होता है, इसी का जस्ट अपोजिट, जो गुड्स सोल्ड किए जाते हैं जिससे हमारी अर्निंग होती है, इससे हमारा रेवेन्यू होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेल्स बोलते हैं। ठीक है, जब गुड्स को हम लोग बेचते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेल्स बोलते हैं। क्लियर है, चलो अब इसके बाद है आगे परचेज रिटर्न और उसके बाद है हमारा सेल्स रिटर्न। अब देखो परचेज रिटर्न क्या है, परचेज का मतलब हुआ कि मैंने गुड्स खरीदा, ठीक है, सिंपल सी चीज है भाई, ये मैंने मार्कर खरीदे। अब जब मैंने ये मार्कर परचेज किए तो मान लो जिससे मैंने परचेज किए हैं तो वो जो उसमें से कुछ मार्कर क्या थे, वो बेकार थे, कुछ मतलब उसमें कुछ जो है प्रॉब्लम थी, मार्कर ठीक काम नहीं कर रहे थे। ठीक है, तो अब डिफॉल्ट थे तो उसमें कुछ, तो मैंने क्या किया, उस मार्कर को रिटर्न कर दिया, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, परचेज रिटर्न। जब हम लोग कोई सामान खरीद के लाते हैं और उसमें कोई प्रॉब्लम्स होती है उसको हम लोग रिटर्न करते हैं, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, परचेज रिटर्न। अब सेल्स रिटर्न क्या है, सॉरी, ठीक है, तो सेल्स रिटर्न क्या है, सेल्स रिटर्न का मतलब होता है वो सारे गुड्स जो हमने कस्टमर को सोल्ड किए थे, जो हमने कस्टमर को बेच दिए थे, अब कस्टमर ने कुछ सामान भाई वापस करने आ गया हो या फिर उसमें कुछ प्रॉब्लम थी, कुछ डिफॉल्ट था, तो उसने क्या किया, हमें लाकर जो है वापस कर दिया। तो ऐसे केसेस में उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेल्स रिटर्न। जब कस्टमर कोई भी सामान हमें रिटर्न करेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेल्स रिटर्न। और जब हम लोग कोई सामान परचेज करके वापस करेंगे, रिटर्न करेंगे, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, परचेज रिटर्न। क्लियर है, यहां तक कोई डाउट है, आई थिंक नहीं होगा। ठीक है, चलो अब कुछ न्यू टर्म्स है उसको देखते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा है, DEBTORS, डेब्टर्स, और ये क्या लिखा है, क्रेडिटर्स। ठीक है, तो क्या है ये, डेब्टर्स है, डेब्टर्स नहीं, डेब्टर्स नहीं, ठीक है, कोई भी डेब्टर्स मत पढ़ना इसको, ये क्या बोलते हैं इसको हम लोग, डेटर्स। क्या बोलते हैं, इट्स डेटर्स, बी यहां पर जो है वो साइलेंट है। ठीक है, और ये क्या है हमारा, क्रेडिटर्स। ठीक है, तो डेटर्स क्या होते हैं, क्रेडिटर्स क्या होते हैं, इसको समझो। अब समझो मान लो एक है मिस्टर एक्स, कौन है ये, मिस्टर एक्स, और ये है मिस्टर वाई। तो एकदम सिंपल लैंग्वेज में पहले मैं बोलूं, डेटर्स का मतलब होता है जिससे हमें पैसे लेने हैं। ठीक है, यहां पे इसको लिख लेना, जिनसे हमें पैसा लेना है, जिससे भी हमें पैसा लेना है वो हमारे कौन होते हैं, डेटर्स। जैसे मान लो मिस्टर एक्स, ये मान लो मैं हूं, ये मिस्टर वाई, तो मैंने मिस्टर वाई को कुछ सामान बेचे हैं, ठीक है, लेकिन मैंने अभी पैसे उनसे नहीं लिए, मैंने सामान बेचे हैं, सोल्ड किए हैं, बट पैसे मुझे अभी नहीं लिए हैं, मिले हैं, तो मिस्टर वाई से मुझे क्या करने, पैसे लेने हैं, तो मिस्टर वाई मेरे लिए कौन है,
मिस्टर वाई मेरे लिए होगा डेटर्स, कौन होगा डेटर्स, समझ में आई बात। तो डेटर्स कौन होता है जिससे हमें पैसा लेना है, क्रेडिटर्स ये कौन होता है एकदम सिंपल जिसे हमें पैसे देने हैं, ठीक है एकदम सिंपल मैं बता रहा हूँ इसलिए हिंदी में लिख दे रहा हूँ, जिसको हमें पैसा देना है। याद रखना ये सारे वर्ड्स पूरी अकाउंट्स क्लास 11, 12, बीबीए, बीकॉम कुछ भी करो उसमें हमेशा काम आएंगे, तो ये इंपॉर्टेंट है। अगर ये नहीं पता होगा तो पूरी अकाउंट्स में प्रॉब्लम हो जाएगी, तो सारे टर्म्स को अच्छे से पढ़ लो, ठीक है। तो जिसे हमें पैसे देने हैं वो कौन होता है क्रेडिटर्स, ठीक है। जैसे मान लो मिस्टर एक्स मैं हूँ, मिस्टर वाई है, यहाँ पर एक कौन है मिस्टर जेड। अब मैंने जेड से कुछ सामान खरीदे हैं लेकिन पैसे नहीं दिए हैं, तो यहाँ पर मुझे पैसे देना है, समझ में आ रही बात। तो जब मुझे किसी को पैसा देना होगा तो वो पर्सन मेरे लिए कौन है क्रेडिटर्स, और जिससे मुझे पैसे लेने हैं वो मेरे लिए कौन है डेटर्स। क्लियर है, समझ में आ रही बात। चलो चलो एक वर्ड और देखते हैं, यहाँ पर है गेन। क्या है गेन? अब गेन क्या होता है सर? देखो प्रॉफिट का मतलब तो मैंने बता दिया, रेवेन्यू बता दिया, इनकम बता दिया, सारी चीजें मैंने बता दिया, आपको समझ में आ गया। गेन क्या होता है? देखो प्रॉफिट का मतलब होता है जब बिजनेस में, मान लो मेरा बिजनेस मार्कर का है, ठीक है, मैंने मार्कर सोल्ड किया मुझे प्रॉफिट हुआ, वो मेरा प्रॉफिट है, मतलब जो अर्निंग हुई मैंने जो पैसे बचे वो मेरा प्रॉफिट है। गेन क्या होता है? तो गेन का मतलब होता है जो जो आपके गुड्स के अलावा कहीं और से आपकी अर्निंग हो जाए। जैसे मान लो मैंने एक लॉटरी टिकट ले रखा था, अब मेरी लॉटरी का टिकट खुल गया, मुझे पैसा मिल गया, या मान लो मेरी कोई बिल्डिंग थी जो मेरे काम की नहीं थी मैंने उसको बेच दी, ठीक है, उससे मुझे पैसे मिल गए, मेरी अर्निंग हो गई, मुझे प्रॉफिट हो गया, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं गेन। जब कभी आउटसाइडर से मतलब गुड्स की वजह से नहीं किसी और रीजन से हमें पैसे मिलते हैं और वजह से हमारी अर्निंग होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं गेन बोलते हैं, समझ में आई बात। चलो अब देखो आगे, यहाँ पर एक वर्ड है एक्सपेंस और एक वर्ड है एक्सपेंडिचर, ठीक है सर। एक्सपेंस क्या होता है, एक्सपेंडिचर क्या होता है, ध्यान से समझो। एक्सपेंस का मतलब और एक्सपेंडिचर का मतलब, दोनों का मतलब क्या होते हैं खर्चे, क्या होते हैं खर्चे, एक्सपेंस जो हम लोग खर्च करते हैं, ठीक है। अब ये बताओ भारी भरकम कौन लग रहा है, एक्सपेंस की एक्सपेंडिचर बड़ा कौन लग रहा है, तगड़ा कौन लग रहा है, ताकतवर कौन लग रहा है, बताओ, समझ में आ रहा है। चलो ताकतवर जाहिर सी बात यही लग रहा है देख के, है ना। तो अब ताकतवर ये लग रहा है तो एकदम सिंपल समझो, एक्सपेंडिचर का मतलब होता है जो खर्चे बड़े बड़े खर्चे होते हैं उसी उसको क्या बोलते हैं एक्सपेंडिचर, और जो छोटे मोटे खर्चे होते हैं वो क्या होते हैं हमारे एक्सपेंस। एकदम सिंपल वर्ड में जो मोर जो एक साल से ज्यादा के लिए खर्चे होते हैं, ऐसे खर्चे जो हम एक साल से ज्यादा के लिए करते हैं वो है ना, वो क्या होते हैं एक्सपेंडिचर। जो लेस देन वन ईयर होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं एक्सपेंस। जो खर्चे एक साल से कम के लिए होते हैं हमारे रोजमर्रा के खर्चे होते हैं उसको हम लोग एक्सपेंस बोलते हैं। जब बिजनेस को चलाने में हम लोग जो डेली बेसिस पे खर्चे करते हैं वो एक्सपेंस है, एक्सपेंडिचर। जैसे हमने बिल्डिंग खरीद ली, जैसे हमने मशीन खरीद ली, बड़े बड़े जो सामान खरीदे वो क्या होते हैं एक्सपेंडिचर होते हैं। क्लियर हुए, समझ में आ गई बात, आई थिंक यहाँ तक क्लियर होगा, ठीक है। अभी हम लोगों ने कितने टर्म्स देखे, 9 देखे हैं, ठीक है। चलो एक दो और देख लेते हैं, उसके बाद इतना इनफ है, कुछ टर्म्स बचेंगे मैं नेक्स्ट वीडियो में वो करा दूंगा और आपके फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अब रेगुलर वीडियोस आती रहेगी, आपको मैं पहले बता चुका हूँ कि आपकी बार इस चैनल पे आपको क्लास 9 से 12 तक के सारे वीडियोस मिलेंगे, चाहे वो साइंस साइड वाले हो चाहे कॉमर्स साइड वाले हो। कॉमर्स वाले वीडियो देख रहे हो तो आपको बताऊं मैं अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडी और साथ ही साथ इंग्लिश की वीडियोस मैं आपको इस चैनल पर प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। तो चलो इसके बाद है एक्सपेंडिचर हो गया, अब एक वर्ड आता है स्टॉक। क्या आता है स्टॉक? एकदम सिंपल चीज है, स्टॉक का मतलब होता है जो गुड्स है। मान लो मेरी शॉप है, मेरी क्या है भाई शॉप है, ठीक है, क्या है मेरी शॉप है। शॉप पे मैंने, मेरी स्टेशनरी की शॉप है, तो मैंने कॉपी, किताब, पेंसिल, रबर, कटर, शार्पनर, है ना, स्केल, जितनी भी चीजें, ज्योमेट्री बॉक्स, सारी चीजें अपने दुकान में शॉप पे रखी हुई है। तो जो ये सारे सामान रखे हैं ना बेचने के लिए, जो गुड्स रखे हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं स्टॉक। तो जितने भी सामान दुकान पे पड़े होते हैं या गोडाउन में होते हैं, हमारे वेयरहाउस में होते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं स्टॉक बोलते हैं, क्लियर। अब देखो दो वर्ड हैं, इसी को पढ़ते हैं और आज जो है आज का ओवर।
ठीक है, बैड डेप्ट्स, और एक है हमारा बैड डेप्ट्स रिकवर्ड। ठीक है, नया वर्ड लग रहा है, बैड डेप्ट्स भारी भरकम लग रहा है। बैड डेप्ट्स देखो, बैड डेप्ट्स का मतलब होता है, मान लो ये है हमारे मिस्टर एक्स और ये है हमारे मिस्टर वाई। अब मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को 1 लाख रुपए उधार दिया था, ठीक है, भाई बिजनेस में 1 लाख रुपए उधार दिया था। अब इन्होंने जब मिस्टर वाई से पैसे मांगे तो मिस्टर वाई हो गए गायब, अब इस शहर में वो है ही नहीं, भाग गए, पता ही नहीं है, ऑस्ट्रेलिया चले गए, ठीक है, कंट्री टू कंट्री, दूसरे कंट्री चले जा रहे हैं, मालूम ही नहीं चल रहा है कहाँ चले गए। तो ऐसे लोग जब बिजनेस में हमें लॉस हो जाता है और वो पैसे हमें नहीं मिलते हैं तो वो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बैड डेट। जब हमारा लॉस हो जाता है किसी बिजनेस में उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बैड डेट्स। क्लियर, समझ में ही बात। बैड डेट्स रिकवर्ड क्या होता है, बैड डेट्स रिकवर्ड का मतलब होता है, मान लो कभी मिस्टर वाई के अंदर इंसानियत जाग गई, अचानक से ये वापस आ गए, इन्होंने कहा वाह भाई एक्स भाई, मैंने आपके पैसे नहीं दिए थे बट मैं आपके पैसे देना चाहता हूँ, तो इन्होंने इसको पैसे रिटर्न कर दिए, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बैड डेब्ट्स रिकवर्ड। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बैड डेब्ट्स रिकवर्ड। जब नुकसान हो गया तो बैड डेब्ट्स, पैसे वापस आ गए तो क्या हो गए, वो बैड डेब्ट्स रिकवर्ड हो गया। समझ में आई बात। तो ये थे कुछ हमारे अकाउंटिंग टर्म्स जो कि मुझे आज पढ़ाने थे और समझाने थे। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, और मेरे अगर एक बार नहीं समझ में आए तो 2 बार देखना, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर लेना या इंस्टाग्राम पे मुझसे कांटेक्ट कर लेना। तो मिलेंगे अपनी न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।